दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विपुल पटेल और आप सभी का इस YouTube चैनल के ऊपर मैं वेलकम करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो को माध्यम से जानने वाले हैं कि फॉलो कैसे करें। हाँ जी, ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही अहमियत पॉइंट है कि फॉलो करना। हाँ जी, और इस वीडियो में आपको प्रॉपर फॉलो करने की टेक्निक आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। हाँ जी, अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से जो नॉलेज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, अगर उस पे आपने अमल कर लिया तो आपका 100% रिजल्ट निकलेगा फॉलो के अंदर। हाँ जी, तो वीडियो में हम लोग और आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सामने जो बेल आइकन रहेगा उसको भी क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल में फॉलो करने की जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसी चैनल के ऊपर मैंने लिस्ट कैसे बनाना है, इनविटेशन कैसे देना है, प्लान कैसे देना है, क्लोजिंग कैसे करना है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और इस चैनल के ऊपर अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जाके ये वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। तो आइए हम लोग जानते हैं फॉलो। तो सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि फॉलो बोलते किसको है। कई सारे लोगों को फॉलो मालूम ही नहीं होता है, तो फॉलो इसको बोलते हैं, जैसे कि आपने किसी को बिजनेस प्लान दिखाया, 1-to-1 प्लान दिखाया, या होम मीटिंग किया, या बड़ा मीटिंग किया, या बड़ा इवेंट किया, बड़ा फंक्शन किया, तो जब वहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन होता है उसके बाद जो सामने वाला न्यू जो गेस्ट होता है ना, उनको हमको वापस मिलना होता है। हाँ जी, तो इसी को हम बोलते हैं फॉलो। लेकिन कई सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि प्लान समझा देते हैं, कंपनी के बारे में समझा देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझा देते हैं, सब कुछ समझा देते हैं, लेकिन वापस हम उसको मिलते ही नहीं हैं। और जब हम वापस मिलते नहीं हैं तो फिर सामने वाला हमारे साथ में काम करता नहीं है। तो जब हम वापस जो न्यू गेस्ट होते हैं उनको जब मिलते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फॉलो। हाँ जी, और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं 5F यानी कि फॉलो करने के 5 रूल्स आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर ये 5 रूल्स अगर आपको पता चल गया तो एक भी बंदा आपको छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, आपके साथ में काम करेगा ही करेगा दोस्तों। तो ये क्या 5F फॉर्मूला है, इसकी भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन कि जब हम फॉलो करने जाते हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि जब हम लोग फॉलो करने के लिए जाते हैं तो फॉलो करने से पहले पहला जो स्टेप आता है वो तो प्लान देना। और जब हम लोग प्लान देते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम प्लान देते हैं ना, तो प्लान में इनकम और सामने वाले को जो सपने होते हैं उनकी जानकारी प्रॉपर तरीके से देनी है। जब हमने उनको जानकारी प्रॉपर तरीके से दी होगी तो डेफिनेटली जब हम फॉलो करने जाएंगे तो वो हमारे साथ में काम करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जब आप फॉलो करने जा रहे हो ना, तो वापस बैठो और उनको सही तरह से प्लान समझाओ, सही तरह से इनकम समझाओ और उसके सपने कैसे, वो सपने यहाँ से कैसे पूरे हो सकते हैं उसके बारे में आपको चर्चा करनी है फॉलो के टाइम पे। और जब भी आप फॉलो करने के लिए जाते हो तो आप अकेले मत जाया करो। हाँ जी, अगर आपको फॉलो करने आता है तो आप अकेले जाओ और आपके साथ में जो नया बंदा जुड़ा है उसको साथ में लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता है। अगर आपको परफेक्ट फॉलो करना आ रहा है तो आपके साथ में जो भी 1-2 लोग जुड़े हुए उनको साथ में लेके चलो और उनको बोलना है कि मैं फॉलो करना आपको सिखाता हूँ। अगर आपको फॉलो करना नहीं आता है तो फिर आप क्या करें, आपके जो अपलाइन है, आपके जो सीनियर है, उनको साथ में लेके चलिए फॉलो में। हाँ जी, अगर आपको फॉलो करने नहीं आता है तो सीनियर को साथ में लेके चलना है, अगर आपको आता है तो आपकी डाउनलाइन को साथ में लेके चलिए। और हमको फॉलो क्यों करना है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति है उसको ना से हाँ में कन्वर्ट करना है, तो आपको फॉलो करना ही करना है। और जब हम लोग फॉलो करने जाते हैं तो सामने वाले के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उनका जो सवाल का समाधान है, जो उनकी शंका है, वो सारा का सारा समाधान फॉलो करने के टाइम पे आपका सॉल्व हो सकता है। आप जब भी फॉलो करने जाते हो ना तो 24 से 48 घंटा, हाँ जी, कई सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं,
आपने सामने वालों को प्लान दिया, बिजनेस प्लान दिया, कंपनी के बारे में समझाया, उसके बाद आपको दूसरे दिन यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर सामने वाले का फॉलो होना ही होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि क्या होता है, जो लोहा होता है गर्म होता है तो तब भी उसको हथौड़ा मारेंगे तो उसका हम आकार यानी कि शेप अच्छी तरह से बना सकते हैं, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर वापस आपको गर्म करना पड़ेगा। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, पीने वाले होते हैं, तो उनका जो नशा होता है ना, नशा वो 24 घंटे तक ही रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो नशा उतर जाता है। वैसे अगर आपका बिजनेस प्लान कोई देख के गया है तो 24 घंटा या 48 घंटा तक ही उसका नशा रहेगा, उसके बाद उसका जो पावर रहेगा वो पावर कम हो जाएगा। तो ध्यान में आपको रखना है कि प्लान देने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद, बड़ा सेमिनार खत्म होने के बाद आपको 24 से 48 घंटे के अंदर सामने वाले का फॉलो करना है, यानी कि सामने वाले को मिलने के लिए आपको जाना है। जब भी आप लोग फॉलो करने जाओ ना, तो आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। हाँ जी, नहीं तो कई सारे लोग जब फॉलो करने जाते हैं ना तो दुखी आत्मा बन के जाता है, चेहरे पे 12 बजे होते उस तरह से जाता है, तो सामने वाला फिर आप पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। जब आप फॉलो करने के लिए जाते हो तो आपको फोन जरूर बंद करना है, और जब आप फॉलो करने के लिए जाते हो तो बहसबाजी मत करना। हाँ जी, नहीं तो कई सारे लोग जब फॉलो करने जाते हैं ना तो झगड़े के नौबत भी आ जाते हैं, बहसबाजी बहुत करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सामने वाला अपनी जो भी दुख दर्द कहानी है वो सुनाता है तो आपको सुनना है। हाँ जी, क्योंकि आज क्या होता है आज के ज़माने में कि उसके खुद के घर वाले उसके बातें नहीं सुनते, उसके गांव वाले उसके बातें नहीं सुनते, उसके समाज उसके बातें नहीं सुनते। तो जब आप जाते हो और वो बोलता है और आप सुनते हो तो समझ में उनको आता है कि नहीं भाई मेरी ये बातें कुछ सुन रहा है। तो सामने वाला जब आपसे कुछ बातें कर रहा है तो झगड़ा नहीं करना है, आपको सही से उसकी बातें सुनना है, यानी सहमति आपको दिखाना है। और जब भी आप अपना सिंगर का समय लेते हो फॉलो करने के लिए या कुछ भी के लिए, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि सामने वाला का टाइम फिक्स जरूर करना है, सामने वाला का अपॉइंटमेंट बुक आपको करना रहेगा, टाइम लेके रखना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लेके चले गए। और जब भी हम अपने सीनियर को साथ में लेके जाते हो ना, तो आपको कम से कम 3 अपॉइंटमेंट लेना है। हाँ जी, 3 अपॉइंटमेंट कम से कम आपको लेके ही रखना है, नहीं तो कई बार यह होता है आप अपना सीनियर का टाइम ले लिया और टाइम लेते वक्त आप उसको लेके गए, जैसे कि आपको अजय भाई को मिलना था 1 बजे, और आप अपने सीनियर को लेके गए अजय भाई के पास, और जैसे आप वहाँ पर लेके गए अजय भाई के पास टाइम नहीं था, मिल नहीं पाया, तो फिर आपका सीनियर का समय खराब हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को मिलवाने के लेके जाते हो ना, तो कम से कम 3 अपॉइंटमेंट 3 लोगों से मुलाकात करवाने के लिए हिसाब से आप लेके जाओ। भले आपका जो सीनियर आ रहा है उसको ये मत बताओ कि किसको किसको मिलने के लिए जाना है, उनको सिर्फ एक ही बात बोलना है कि इतने बजे हमको जाना है, बस खत्म हो गया। बाकी किसको किसको मुलाकात करवाना है वो आपके पास डिटेल होनी चाहिए। तो एक अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, आपको 3 अपॉइंटमेंट लेना है। जैसे कि अजय भाई नहीं मिला तो आपके पास विजय भाई का अपॉइंटमेंट है, तो फिर आप विजय भाई को मिल सकते हैं। विजय भाई भी नहीं मिला तो फिर आपके पास रमेश भाई का अपॉइंटमेंट है, तो उसको आप मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपने एक ही बंदे का अपॉइंटमेंट लिया था जो था अजय भाई, और उसने मना कर दिया, तो आपका भी समय वेस्ट हो गया, और सबसे बड़ा कीमती समय था आपका सीनियर का, वो भी वेस्ट हो गया। तो जब नेक्स्ट टाइम आपका सीनियर आपके साथ में आना हो चाहेगा तो वो कभी नहीं आएगा, क्यों? उसको पता है कि उनका टाइमिंग फिक्स होता नहीं है। तो जब भी आपका सीनियर आपके साथ में आता है तो आपको कम से कम 3 अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपका सीनियर का समय वेस्ट ना हो। अगर हो सकता है जब आप किसी को प्लान देने के लिए गए या फॉलो करने के लिए गए, आपका सीनियर का अपॉइंटमेंट लिया, अजय भाई यस बोल दिया, तो सीनियर को आप बोल सकते हो कि सर ये तो बंदा अपॉइंटमेंट दे दिया, अपने को तो प्लान देना है, उसको समझाना ही है या फॉलो करना ही करना है। लेकिन एक और बंदा है जो मिलने के लिए रेडी है, अगर आपके सीनियर के पास समय रहेगा तो साथ में उनका भी हो जाएगा काम। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि एक अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, 2 या 3 अपॉइंटमेंट आपके पास होना चाहिए, जिससे आपका सीनियर का समय वेस्ट ना हो। अभी हम लोग जानेंगे कि ये 5F फॉर्मूला क्या है। हाँ जी, और ज़्यादातर रिजल्ट इसी में आपको देखने को मिलता है।
जैसे कि आप किसी को फॉलो करने के लिए ये पहली बार, जिसको बोलते हैं वन टाइम फॉलो। जब हम वन टाइम फॉलो करने के लिए जाते हैं किसी का, तो जैसे कि आप 100 लोगों का फॉलो किया तो आपका सिर्फ 2% रिजल्ट आएगा। हाँ जी, पहली बार फॉलो करने के लिए यानी कि वन टाइम फॉलो में 2% रिजल्ट आता है। जैसे कि 100 लोग हैं तो 2 वहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा, इसका वन टाइम फॉलो बोलते हैं। दूसरा रूल से, दूसरा एफ रूल से, वो बोलते हैं सेकंड टाइम फॉलो। हाँ जी, सेकंड टाइम फॉलो यानी कि दूसरी बार वापस आपको मिलने के लिए जाना है। एक बार तो आपने मुलाकात कर लिया, 2% रिजल्ट मिल गया, लेकिन वापस आपको उन्हीं लोगों को मिलने के लिए वापस जाना है सेकंड टाइम फॉलो। हाँ जी, तो वो टाइम पे आपको 3% रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी, 3% रिजल्ट मिलेगा। ये हो गया दूसरा टाइम फॉलो, 3F यानी कि 3 टाइम फॉलो। हाँ जी, 3 टाइम फॉलो यानी कि तीसरी बार वापस आपको फॉलो करने के लिए जाना है, वापस उन्हीं लोगों को मुलाकात करने के लिए जाना है आपको। हाँ जी, और जब तीसरी टाइम आप जाओगे ना, तो आपका वहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट आएगा 5%। हाँ जी, 5% रिजल्ट आपको कन्फर्म आएगा। और चौथा जो है एफ, जिसको बोलते हैं 4 टाइम फॉलो। हाँ जी, 4 टाइम फॉलो। 4 टाइम फॉलो इसका मतलब ये होता है कि चौथी बार आपको वापस फॉलो करने जाना है, वापस मिलने के लिए आपको जाना है किसको, जो पहले आपने प्लान दिखा चुके हैं उन्हीं लोगों को, चौथी टाइम वापस आपको फॉलो करने जाना है, वापस मुलाकात करने जाना है। अगर आप जब चौथी बार किसी का फॉलो करने जाओगे ना, तो वहाँ पे आपका जो रिजल्ट रहेगा वो 10% आपका मिल जाएगा। पांचवा जो एफ फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं 5 टाइम फॉलो। हाँ जी, 5 टाइम से लगाकर 12 टाइम, 5 टाइम से लगाकर 12 टाइम, ध्यान में रखना, 5 बार से लगाकर 12 टाइम के बीच में 12 बार आपको फॉलो करना है। 5वीं बार कर लिया, 6ठी बार कर लिया, 7वीं बार कर लिया, 8वीं बार कर लिया, 9वीं बार कर लिया, 10वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार, यानी 5 से लगाकर 12 तक आपको कंटिन्यू फॉलो करता ही रहना है, करता ही रहना है दोस्तों। इसको बोलते हैं 5 to 12 टाइम फॉलो। हाँ जी, और ये टाइम पे आपका जो रिजल्ट रहेगा ना, वो रिजल्ट 80% आता है, ध्यान में रखना। पहली बार जो 4 टाइम आपने किया तो 20% टोटल आया, और 5 से 12 के बीच में अगर जब आप फॉलो करोगे ना, तो 80% रिजल्ट आपको उसी में मिलेगा दोस्तों। हाँ जी, और ज़्यादातर लोग फेल यहीं पे हो जाते हैं। एक बार किसी ने मना कर दिया तो हम उसको मिलते ही नहीं है, 2 बार मना कर लिया मिलते ही नहीं है, 3 बार मना कर लिया मिलते ही नहीं, 4 बार मना कर लिया मिलते ही नहीं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको जिसने प्लान दिया है उसको लगातार मिलते ही रहना है, मिलते ही रहना है, मिलते ही रहना है, कम से कम 12 टाइम। हाँ जी, 12 बार सामने वाले को कंटिन्यू मिलते ही रहो, मिलते ही रहो, मिलते ही रहो। कई सारे लोग ये करते करते कि एक ही दिन में 12 बार मिल लेते, ऐसा नहीं। ये महीने मिले या 2 महीने के बाद मिले या 6 दिन के बाद मिले या 10 दिन के बाद मिले, ऐसे अलग अलग टाइम पे आपको, अलग अलग दिन पे आपको उसको मिलना है। यानी किसी इंसान का 12 बार अगर फॉलो कर देते हो तो रिजल्ट आपका 100% हो जाता है दोस्तों। हाँ जी, इसी को हम बोलते हैं 5F फॉर्मूला। जिसने इस पे अमल कर लिया, डेफिनेटली उसके साथ में लोग शुरुआत करते ही करते हैं। हाँ जी, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि 5 टाइम फॉर्मूला है, इस पे आपको अमल जरूर करना है। कई सारे लोग बोलते हैं सर कब तक हम लोग फॉलो करते रहें, तो ध्यान में रखना है, सामने वाला अगर आपके ऊपर पुलिस कंप्लेन ना कर दे, हाँ जी, या तो फिर सामने वाला मर के शमशान ना चला जाए, या आप खुद मर के शमशान ना चले जाओ, तब तक सामने वाले का फॉलो करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना दोस्तों, डेफिनेटली। और ऐसा कहा जाता है, अगर एक पत्थर है, स्टोन पत्थर है, अगर जब पत्थर होता है उस पर पानी की बूंद गिरती है टप टप टप, तो पत्थर टूटता नहीं है, लेकिन वही पानी की जो बूंद है, वो पानी की बूंद कंटिन्यू टप 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 ऐसे गिरती रहेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो पत्थर था उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। हाँ जी, तो उसी तरह अगर किसी इंसान का कंटिन्यू मुलाकात करते जाते हो, कंटिन्यू मुलाकात करते जाते हो, तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि आपके साथ में वो बंदा जुड़ जाएगा। हाँ जी, जब आप पहली बार मिलने गए थे तो आपका चेक नहीं बना होगा, लेकिन जब दूसरी बार जाओगे तो आपके खाते में पैसा आया, तो उसको दिखा सकते हो, देख पैसा आया है,
जब तीसरी बार जाओगे तो और ही इनकम आपका बढ़ गया हो सकता है, जब चौथी बार जाएंगे तो आपने बाइक लिया हो सकता है, पांचवी बार गए तो आपने कार लिया हो सकता है, या फिर आपकी इनकम बड़ी हो गई हो सकती है। ऐसा जब भी आपके साथ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट होता है ना, तब आप उसके पास जाओ। तो जब उनको लगेगा कि नहीं, सामने वाले में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आ रहा है, जब किसी के अंदर परिवर्तन आता कोई इंसान देखता है ना, तो फिर वो इंसान उसके साथ में जुड़ता है और काम जरूर करता है। तो जब भी आप किसी को प्लान देते हो, मीटिंग में प्लान दिलाते हो, वन टू वन में प्लान देते हो, होम मीटिंग में प्लान देते हो, या बड़े सेमिनार में प्लान देते हो, तो कोई भी इंसान रहेगा कंटिन्यू फॉलो करते रहना है, करते रहना है, डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो बंदा आपके साथ में काम करेगा ही करेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो फॉलो करने के टेक्निक कुछ बातें आपके साथ में मैंने शेयर की दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को आप अपनी टीम के अंदर शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सीखने मिला नीचे कमेंट जरूर कीजिए, आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट मिलता है और एक वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सीखे हैं, जो भी सीखा हो आप नीचे कमेंट कीजिए कि सर ये वीडियो के माध्यम से मैंने ये सीखा है दोस्तों, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ में, तब तक आप अपना सेहत का ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।